देश में महिला सुरक्षा के लिए ना जाने कितने ही कानून बनाए जा रहे हैं, पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। दिन दहाड़े महिलाओं के साथ घिनौने काम किए जाते हैं और साथ ही साथ वीडियो बनाकर वायरल भी किया जाता है। चलिए आपको असम की ऐसी ही एक घटना से रूबरू कराते हैं, जहां बदमाशों ने एक महिला के साथ बर्बरता की और उसका वीडियो बनाकर वायरल भी कर डाला। असम के करीमगंज जिले में एक ऐसी घिनौनी घटना सामने आई है जिसे देखने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। घटना के अनुसार गांव के ही लुइनिर्बुल चराई नामक एक बदमाश अपने अन्य 5 सहयोगियों के साथ पीड़ित महिला के घर जा धमका और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीड़िता को मिले 85,000 रुपए हथियाने की कोशिश करने लगा। हद तो उस वक्त हो गई जब पीड़ित महिला के रुपए देने से इनकार करने पर बदमाशों ने उसे खंभे से बांधकर पीटना शुरू कर दिया। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, पर बदमाशों को जरा भी दया नहीं आई। उसी समय पीड़ित महिला के ससुर उसको बचाने पहुंचे तो बदमाशों ने उनको भी खंभे से बांध कर पीटा और आखिर में बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब हो ही गए। हद तो उस वक्त हो गई जब आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद से पीड़िता ने शर्म के मारे घर से निकलना तक बंद कर दिया है। इस पूरी घटना में पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। पीड़िता ने नागरा पुलिस चौकी पर कई बार घटना के बारे में सूचना दी, लेकिन खाकी के रौब के आगे वह बेचारी आखिर करती भी तो क्या। परेशान होकर पीड़िता ने कोर्ट में जाने का फैसला किया, जिसके बाद आरोपी सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। নাগরা থানাতে আমি কেস করার লাগি গেছি, তখন আমার রাস্তা দেখি আর মেয়েরা কতজন আর ছেলেরা তারা আমার দড়ি আর কাপড় শুপর ছিঁড়িয়া আমার একদম কাপড় রাস্তা সব খুলিয়া আমার আরো মরিচ কিতা কিতি ডালিয়া দিছে রাস্তার মধ্যে হয় 10 তারিখে। এটা আগে আমি তারা করেছে ভিডিও ছাড়ি দিব, তারা তুমি যদি কেস করো কইছে ভিডিও তারা মোবাইলে মানে রেকর্ড করছি গত 10 তারিখে ওই মেলুকটা যখন ঘরে ছিল ওর ঘরে এসে একজন ওই বিলিনাই চোরাই নামে একজন ওনাকে প্রথম দরজাতে নক করে এবং ওনাকে ডাকে আমি ঘর বানিয়ে দেবো বলতে, কিন্তু ওরা কোনো কথাই মানতে নারাজ। ওরা বলে যে যদি টাকা দিস না তাহলে তোকে আমরা রেড করবো বলে ওই সবাই মিলে ওনার কাপড় চোপড় সব খুলে নেই। তারপর ওনার শ্বশুর মশাই আসলে পরে ওনার বাসাতে আসলে পরে ওরা 6 জন মিলে শ্বশুর মশাইকে বেঁধে ফেলে এবং ওনাকে বলে যে টাকা না দিলে আমি তোকে এখন আমরা সবাই তোকে এখনই রেড করবো। कहते हैं कि एक महिला के लिए उसकी इज्जत उसकी आबरू ही सब कुछ होती है, पर जरा सोचिए क्या गुजरती होगी उस महिला पर जब उसे ये पता चला होगा कि उसके साथ हुए इस बर्बरता का पूरा वीडियो लोगों ने वायरल कर दिया है। क्यों बिना किसी गलती के एक महिला डर के साए में खुद की पहचान छिपाकर जीने को मजबूर है। समझ नहीं आता कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा किए गए तमाम दावे और जमीनी हकीकत आपस में कितनी मेल खाती है।
नेशन लाइव के लिए प्रमोद मल और राजू पाल के साथ अनुष्का सिंह की रिपोर्ट।